बावलोग अभी मजा आने वाला है क्योंकि मेकर्स अभी सीरियसली डील कर रहे हैं। खैर फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है तो अभी सब बात करने वाले हैं और जो हमने थ्योरी प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बात करी थी उसमें से बहुत कुछ सच भी होते नजर आया है इस एपिसोड में। लेकिन इसके बाद भी मैं डिसअपॉइंट हूँ 3-4 लोगों के कॉमेंट से जो मेरे को कुछ भी उल्टा सुलटा बोल रहे थे कि तू कुछ भी बोलता है, तेरी थ्योरी गलत होती है वगैरह वगैरह। तो बाबा मैं जो कुछ भी थ्योरी प्रिडिक्शन वाली वीडियो लाता हूँ उसमें बिना सर पैर की बात नहीं होती। दूसरा जो मैं बोलूंगा वो सारा कुछ सच होगा, मैं इसकी भी गारंटी नहीं लेता। कीप इन माइंड मेरे दोस्तों, थ्योरी इज थ्योरी, 50-50% चांसेस होते हैं सही और गलत होने के। बाकी जूली और एलजिन को लेकर जो प्रिडिक्शन करी थी वो सच हुआ है। बाबा इट हर्ट्स समटाइम, बाकी कोई बात नहीं, मैं आगे और अच्छे से रिसर्च करके वीडियो लाया करूंगा। आई प्रॉमिस यू मैं और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करके तभी डिलीवर किया करूंगा। तो फिलहाल कोई गिले शिकवे नहीं रखना है हम सबको, स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो बिल्डअप ही है इस एपिसोड में भी, लेकिन जिस ट्विस्ट मोड पर कहानी चल रही है बाबा यहां से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और यस शॉकिंग मोमेंट भी देखने को मिले हैं। एपिसोड 8 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से 7th एपिसोड खत्म हुआ था। टिली को फातिमा मार चुकी है, वाइट फातिमा को जंगल में लेकर वुडन झोपड़ी में छुपा दिया है जहां फातिमा काफी डरी हुई देखने को भी मिल रही है क्योंकि चीज उसके हाथ से अनकंट्रोलेबल हो चुकी थी और उसको इसका रिग्रेशन भी है बहुत ज्यादा। टाउन में ईथन, टेविथा, जेड एंड जिम वापस आ चुके हैं और जिम एंड टेविथा के बीच में थोड़ी अनबन भी देखने को मिल रही है क्योंकि ओल्ड सेटलमेंट्स प्लेस पर ईथन एंड टेविथा का आना जिम को अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड था। उधर जेड के घर में हेनरी दारू पी के फ्लैट है, देन जूली रैंडल से बात करने आती है डंजन प्लेस के बारे में कि हमें एक बार फिर से वहां जाकर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर यानी दिमागों में वो चीखने चिल्लाहट की आवाज सुनाई देती रहती है यानी स्क्रीम्स। बट रैंडल मना करता है जूली को डंजन प्लेस में दोबारा से जाने के लिए। देन दूसरी तरफ टिली की डेथ से टाउन में हाहाकार मची हुई है, सारा ब्लेम सारा पर डाला जा रहा है क्योंकि सारा ने पास में 2 मर्डर भी कर रखे हैं लेकिन बॉयड से ज्यादा होल्ड नहीं हुआ और उसने डोना को बता दिया कि असली मर्डरर फातिमा है ना कि सारा। तो बाबा ये बकैती यूं ही चलती रहती है टाउन में। उधर न्यू पुलिस लेडी एंड कैनी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हु इज द रियल किलर वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बट असली कहानी जो बिल्डअप ले रही है वो है एलजिन की तरफ से और फातिमा को उस जंगल में वुडन झोपड़ी में किमिनो वुमन फर्स्ट टाइम दिखाई देती है, जो एक बार के लिए ऐसा लगा कि फातिमा पर नजर रखने आई थी यानी क्रॉस चेक करने आई थी कि कोई है या नहीं है इसके साथ, और वो अकेली ही है। तुरंत मैजिकल कैमरा ने एलजिन को डायरेक्शन दिया उस झोपड़ी का फोटो खींचकर उस सेलर बेसमेंट तक फातिमा को लाने के लिए। बट दूसरी तरफ जिम एंड जेड के बीच में जबरदस्त बहस भी देखने को मिलती है जिसका एक्सप्लेनेशन हमने स्नीक पीक वाली वीडियो में कर लिया था। तो बस वही टेविथा एंड जिम की फैमिली को लेकर बहसबाजी होती है तो उस पर ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। और बाबा जूली एंड ईथन उस डंजन प्लेस में चले जाते हैं तो जो मैंने जूली को लेकर प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में एंड लीक्ड फुटेज एक्सप्लेन्ड वीडियो में डिस्कस करा था एज इट इज देखने को ही मिला है। जूली ईथन के साथ अंदर जाती है पर ईथन बाहर ही रह जाता है और जूली अपने माइंड में सबकॉन्शियसली उस डंजन प्लेस में जाती है जहां वो खुद की, मिरेल की एंड रैंडल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और तीनों को उस चेन से बंधा हुआ पाती है। देखो इस पार्ट का कनेक्शन सेकेंड सीजन से हुआ है जो मंजर बॉयड ने भी देखा था। देन उसके बाद जूली को मार्टिन दिखता है जिसे बॉयड ने भी देखा था सीजन 2 में। देन मार्टिन जूली को कहता है कि रस्सी नीचे कुएं में फेंक दो और बाबा तुम यकीन नहीं करोगे वो रस्सी चिमनी में बॉयड के लिए फेंकी गई थी, जो मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व थी कि आखिर बॉयड को रस्सी फेंककर बचाया किसने था, वो जूली थी रस्सी फेंकने वाली। तो ये हमने थ्योरी प्रेडिक्शन वीडियो में भी डिस्कस किया था और यस जूली ही निकली वो। देन उसके बाद मार्टिन जूली को कहता है कि फटाफट यहाँ से चले जाओ और वो उस डंजन प्लेस से दरवाजे के उस तरफ चली जाती है जहाँ वो खुद को केव में पाती है और बच्चों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ। इसी के साथ साथ जूली को अपने मॉम टैबिथा की भी आवाज़ सुनाई देती है। देन तभी ईथन कैनी पुलिस लेडी को लेकर आ जाता है जो जूली को होश में ले आते हैं। तो ये सब इस पार्ट में देखने को मिला है जो बहुत बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है और इन्फॉर्मेशन कैरी भी करता है, इसलिए ब्रेकडाउन वाली वीडियो में इस पार्ट पर भी अच्छे से बात करेंगे क्योंकि कुछ थ्योरी हैं फ्यूचर स्टोरी के लिए, तो वो ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पार्ट को लेकर क्योंकि मैं इस डेटा के लिए वेट कर रहा था वरना मैं पहले भी रिवील कर सकता था। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पार्ट रहा इस एपिसोड में विक्टर का, जो सारा के घर के बेसमेंट में जैस्पर के साथ याददाश्त दोबारा लाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जैस्पर ने क्रिस्टोफर से आखिर बात क्या करी है क्योंकि विक्टर को इतना पता है कि जैस्पर इस टाउन के बारे में क्रिस्टोफर को बताता है कैसे यहां से बाहर निकला जाएगा बट उसे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन याद नहीं आ रही है। सारा हेल्प करती है बट विक्टर को याद नहीं आता, फिर सारा टैबिथा को भी बुलाकर लाती है एंड टैबिथा
टैबिथा उसे हेल्प कराती है उसकी याददाश्त वापस लाने में, एंड यस टैबिथा सफल होती है। दोनों सारा एंड टैबिथा फिर वो सिनेरियो सेट करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा, और यस विक्टर को याद आ जाता है और जो उसका भरम था कि क्रिस्टोफर जेस्पर से बात कर रहा है, बड़वावा ऐसा नहीं था। क्रिस्टोफर बॉय इन व्हाइट से बात करता है क्योंकि बॉय इन व्हाइट क्रिस्टोफर को इस टाउन से बाहर निकलने का सॉल्यूशन बताता है और इस टाउन के कर्स को तोड़ने का तरीका भी बताता है कि ये सारी चीजें जहां से शुरू हुई हैं वहीं पर ही खत्म होंगी। मींस उन चिल्ड्रंस की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि किसी ने यहां के टाउन के लोगों को कहा था कि उन चिल्ड्रंस की बलि देनी पड़ेगी। विक्टर ने यह भी कहा कि उन चिल्ड्रंस को धोखा मिला है उनसे जिनसे वो प्यार करते थे और उन पर ट्रस्ट करते थे। विक्टर ने आंगुई चिल्ड्रन का पत्थर में लेटना भी मेंशन किया है और जेड ने जो रूट्स का साइन देखा था जस्ट उन आंगुई चिल्ड्रंस के ऊपर उसको भी मेंशन किया। विक्टर ने बॉटल ट्री का भी मेंशन किया, खासकर वो फार अवे बॉटल ट्री। एंड बस इस पार्ट में इतना ही था जो कि बहुत कुछ है। यस इस पार्ट में बहुत कुछ हिडन डिटेल्स हैं क्योंकि पास्ट फ्यूचर एंड स्टार्टिंग का सभी का कनेक्शन है इस पार्ट पर, तो ब्रेकडाउन वीडियो में इस पे भी स्टेप टू स्टेप अच्छे से बात करेंगे। बाकी वाह फोटो की मदद से एल्जिन फातिमा तक पहुंच गया है जंगल में जो छुपी हुई थी, और फातिमा को एल्जिन झूठ बोलकर सेलर बेसमेंट तक ले आया ये कहकर कि एलिस अंदर वेट कर रहा है। बट मैं आपको बता दूं एल्जिन काम कर रहा है किमिनो वुमन के लिए, और बड़ी मशक्कत के बाद फातिमा को एल्जिन उस हाइडिंग सेल के अंदर ले चले जाता है जो फातिमा काफी हार्डली रेप्लिकेट भी कर रही थी एल्जिन को, लेकिन जोर जबरदस्ती करके उसे फातिमा को अंदर उसने डाल दिया और यहां एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो बाबा इस एपिसोड में बहुत कुछ है आगे स्टोरी के बिल्डअप के लिए। अब मिलते हैं एंडिंग एक्सप्लेन एंड ब्रेकडाउन वाली वीडियो में जहां मेरे पास बहुत सी थ्योरीज हैं। मैं बस इन्हीं सब डेटा का वेट कर रहा था और डेटा मिल चुका है, तो बस थोड़ा और सब्र, और ये सब टाउन में क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका आंसर भी है मेरे पास, जिसपे स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बाबा मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उसमें से बहुत कुछ सच हुआ है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट माई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी बाय बाय। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। आपने भी इस एपिसोड को देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरूर बता के जाना। कुछ मुझसे छूट गया हो तो हार्डली मेंशन करना, उस पर भी बात कर लेंगे आगे जाकर। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।